हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित आर्या। अब आप मेरे को अन अकेडमी ऐप और अन अकेडमी की साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है। अब आप मेरे को अन अकेडमी पर मेरे नाम ललित कुमार से सर्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा सीएसआईआर जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमको कुछ डाटा दिया हुआ है, उस डाटा के बेस पे हमको करेक्शन फाइंड करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक टू डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है Vx, ये हमको टू डायमेंशन में स्क्वायर वेल पोटेंशियल दिया हुआ है, और हमको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दिया हुआ है साइन nx ny, ये है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और हमको पर्टर्बेशन दिया हुआ है x डैश इज इक्वल टू v नॉट। ये v नॉट पर्टर्बेशन कब है, जब x की लिमिट 0 से ay 2 है और y की लिमिट भी 0 से ay 2 है, मतलब x डायरेक्शन में 0 से ay 2 और y डायरेक्शन में 0 से ay 2 के बीच में हमारा ये क्या है, पर्टर्बेशन है v नॉट, और उसके अलावा 0 है सब डायरेक्शन में। मतलब इसके अलावा अगर हम 0 से ay 2 अगर ay 2 से बाहर जाते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल जो हमारा hp है वो कितना है, 0 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पर्टर्बेशन फाइंड करना है, और ये हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे टू डायमेंशन स्क्वायर वेल पोटेंशियल का वेव फंक्शन और एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो टू डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल का मतलब है कि जो हमारा पोटेंशियल है वो एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, और वो एक स्क्वायर है। मींस एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ 0 से a है, तो वाई डायरेक्शन में भी उसकी लेंथ 0 से a है। तो उस केस में जो उसका वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, साइन एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 अपॉन ए स्क्वायर साइन एन एक्स पाई अपॉन ए इंटू एक्स और साइन एन वाई पाई अपॉन ए इंटू वाई। तो ये हमारा वेव फंक्शन है, हम इसको 2 अपॉन ए भी लिख सकते हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है ई एन एक्स एन वाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर। अब हम इसकी एनर्जी लिखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट में देखिए, जो हमारा एन एक्स और एन वाई होगा ये तो हमारा 1 होगा, मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए एन एक्स और एन वाई दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पहला एन एक्स इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है एन एक्स इज इक्वल टू 2 और एन वाई इज इक्वल टू 1। मीन्स अगर मैं एन एक्स इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 2 इसमें रखता हूं, तब भी मेरे को जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। और अगर यदि मैं एन एक्स इज इक्वल टू 2 और एन वाई इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं इसमें, तब भी मेरे को यही एनर्जी मिलेगी 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो डब्ल्यू डी जनरेट एक्साइटेड स्टेट है। वहां पर डी जनरेसी कितनी है, 2 की डी जनरेसी है। तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास डी जनरेसी मिलेगी 2 की। तो हमने देखा जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है वो डब्ल्यू डी जनरेट होता है। अब हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन लिखना होगा और हमको उसकी एनर्जी लिखनी होगी। तो हमने एनर्जी तो यहाँ पे लिख ली है, ये एनर्जी मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। अब हम इसका वेव फंक्शन देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो डब्ल्यू डी जनरेट है, तो इसका जो पर्टर्बेशन होगा, मतलब इसमें जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पर्टर्बेशन होगा उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा डी जनरेट पर्टर्बेशन का फॉर्मूला होता है। हम इसको ऐसे तरीके से फाइंड करते हैं, हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे हुए हैं,
तो यहाँ पे हम इसको सर्कुलर फॉर्म में लिख लेंगे, मीन हमने यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है, H11 माइनस लैम्डा H12 S21 और S22 माइनस लैम्डा। हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे H11 का मतलब क्या है, H11 का मतलब होता है Psi1 HP Psi1, और Psi1 क्या है हमारे पास, Psi1 का मतलब क्या है, Psi1 का मतलब यह है कि n की वैल्यू हमने कितनी ली है 1 और ny की वैल्यू हमने कितनी ली है 2। तो ये हमारे किसकी बात हो रही है, अभी ये बात हो रही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के वेव फंक्शन की, क्योंकि हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही पर्टर्बेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के वेव फंक्शन लिए हुए हैं। अगर हमको ग्राउंड स्टेट में लेना होता तो हम nx और ny दोनों की वैल्यू 1 रखते, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करी है, इसलिए हमने यहाँ पे nx 1 और ny को 2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 1, तो Psi1 HP Psi1। तो हम इसी फंक्शन को यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं, Psi1 into Psi1 को, तो यह आएगा हमारे पास H11 = 4/a² 0 से a/2, क्योंकि जो हमारा पर्टर्बेशन है वो 0 से a/2 के बीच में है, और वो है हमारे पास V0। तो V0 हमारे पास क्या है, पर्टर्बेशन, और लिमिट क्या है इसकी, 0 से a/2 x डायरेक्शन में और 0 से a/2 y डायरेक्शन में। तो इस इंटीग्रल को हमने दो पार्ट में लिख लिया, पहला पार्ट हमारे पास ये है, दूसरा पार्ट हमारे पास ये है। देखिए ये हमारे पास है Psi1 और ये भी हमारे पास क्या है, Psi1। तो यहाँ पे क्या है हमारे, Sin πx/a, यहाँ भी क्या है हमारे पास, Sin πx/a। तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो हमने x वाले एक तरफ कर लिए और y वाले एक तरफ कर लिए, अब x की लिमिट भी 0 से a/2 है और y की लिमिट भी 0 से a/2 है। अब बस हमको इस इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, जो एक मैथमेटिकली वर्क है। मैंने यहाँ पे इनको सॉल्व नहीं किया जिससे कि ये क्वेश्चन हमारा और भी लेंथी हो सकता था। तो यहाँ पे हमारे पास H11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0/4। इसी तरीके से हम H22 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितनी आएगी, V0/4। तो H22 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे Psi2 और Psi2 पुट कर देंगे, और Psi2 की वैल्यू कितनी होगी, Psi2 की वैल्यू तब निकालेंगे जब nx2 और ny1 पुट कर देंगे। जब nx2 रखेंगे और ny1 रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, Psi2। तो यह आएगा 2/a sin 2πx/a sin πy/a, क्योंकि देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन, ये था हमारे पास साइन nx πx sin nπ a/y, ये था हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे हमने x की वैल्यू कितनी रखी, 2, तो ये हो गया हमारे पास sin 2π/a (x). देखिए ये आ गया, यहाँ पे हमने रखी 1, तो हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ से हम sin 2 निकाल लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू H12 की और H21 की। तो H12 की वैल्यू का मतलब क्या होगा, H12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, H12 इसका मतलब होगा Psi1 HP Psi2, ये इसका मतलब होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे Psi1 की वैल्यू ये वाली आएगी और Psi2 की वैल्यू ये वाली आएगी, फिर हम उसका इंटीग्रल कर देंगे y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में। तो अब हम Psi12 की और H12 की और H21 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम H12 की वैल्यू फाइंड करते हैं, और H12 को हम ऐसे लिख सकते हैं Psi1 HP Psi2। यहाँ पे हमने Psi1 की वैल्यू पुट कर दी, Psi1 की वैल्यू हमारे पास ये है और Psi2 की वैल्यू हमारे पास ये है (dx/dy), क्योंकि हमको dx और dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कहां तक करना है, 0 से a/2 0 से a/2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, इस 4 को मैंने 2 × 2 की फॉर्म में लिख लिया, तो 1 2 मैंने इसके साथ लिख लिया और 1 2 मैंने इसके साथ लिख लिया, और यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, V0/a², ये हो जाएगा हमारे पास V0/a² अब 0 से a/2। अब 1 2 मैंने इसके साथ लिखा तो आ गया 2 sin πx/a sin 2πy/a (dx), ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से 1 2 मैंने इसके साथ लिख लिया तो हो गया 0 से a/2 2 sin 2πx/a और sin
पाई वाई अपॉन ए इंटू डी वाई, तो ये हमारा dx की फॉर्म में आ गया और ये हमारा dy की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला बनना है 2 sin a sin b का, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो अब यहाँ पे a कितना है, यहाँ पर a है हमारे पास पाई x अपॉन a और b कितना है यहाँ पे 2 पाई अपॉन a, ये हमारे पास क्या है a और b। यहाँ पे हमारे पास a क्या है 2 पाई x अपॉन a और यहाँ पे b क्या है हमारे पास पाई y अपॉन a। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। मीन्स हम यहाँ पे याला फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे याला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी याला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये कुछ मैथमेटिकल वर्क है। अब इस सबको जो हम इंटीग्रेट करके आएगा हमारे पास वो आ जाएगा एच वन टू इज इक्वल टू 16 वी नॉट अपॉन एन पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। इस सब को इंटीग्रेट करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास ये एच वन टू के लिए था, ये एच टू वन के लिए आ जाएगा, तो एच टू वन के लिए भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। बस अंतर क्या हो जाएगा कि ये टर्म आगे आ जाएगी और ये टर्म पीछे चली जाएगी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 वी नॉट अपॉन नाइन पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अभी हमारे पास क्या थी, सर्कुलर इक्वेशन थी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एच वन वन की वैल्यू कितनी आई थी वी नॉट अपॉन फोर और एच वन टू की वैल्यू कितनी हमारे पास ये। इसी तरीके से एच टू वन की वैल्यू हमारे पास ये है और एच टू टू की वैल्यू कितनी आई थी वी नॉट अपॉन फोर। तो हम इस चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई एच वन वन की जो है हमारे पास वी नॉट अपॉन फोर, ये वैल्यू हमारे पास एच वन टू की ये लगा दी हमने, ये वैल्यू हमारे पास एच टू वन की और ये वैल्यू हमारे पास एच टू टू की, और इसमें से हमने लैम्डा माइनस कर दिया क्योंकि ये सर्कुलर इक्वेशन है। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारे पास हम इस माइनस साइन को इधर ले गए, इज इक्वल टू में हो गया। अब इसका हम रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 16 वी नॉट अपॉन नाइन पाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यहां से लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली वी नॉट अपॉन फोर प्लस माइनस 16 वी नॉट अपॉन नाइन पाई स्क्वायर। अब हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, v नॉट अपॉन फोर ब्रैकेट के बाहर था, तो हमने v नॉट अपॉन फोर ब्रैकेट के बाहर ले लिया, मीन्स कॉमन ले लिया। तो ये कितना आ गया वन प्लस माइनस 64 अपॉन नाइन पाई स्क्वायर, जो कि हमारा राइट आंसर है b। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारे पास b। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन पर्टर्बेशन के ऊपर बेस्ड। थैंक यू।